यहां हमें सुनाई नहीं देता फूलों का रोना, सुनाई नहीं देती कांटे में फंसी हुई मछली की चीख, क्योंकि चीखने का उपकरण तो गले में उसके होता ही नहीं है। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने का कोई नियम नहीं होता। चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकता है। यही सोच कर गिरा था उस दिन की 5 फुट 7 इंच से ज्यादा और कितना गिरूंगा, लेकिन कितनी गहराई थी उसमें कि गिरना मेरा आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हमेशा से ऐसी शिक्षाएं मिलती रही थी कि गिरना हो तो घर में गिरना, गिरना हो तो घर में गिरना, बाहर मत गिरना। आंखों में भले गिर जाना लेकिन चश्मे में बचे रहना, चिट्ठी में गिर जाओ लिफाफे में बचे रहो, अर्थों में भले गिर जाओ शब्दों में बचे रहना। गिरने की इस असलियत का पर्दाफाश हुआ था 17वीं शताब्दी में, जब पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ा था गैलीलियो, और उसने चिल्ला कर कहा इटली के लोगों, अरस्तु का कहना है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन आज आप सभी लोग अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे लोहे के भारी गोलों और कागज के हल्के पुर्जों को एक साथ एक ही गति से एक ही दिशा की ओर गिरता हुआ देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। आज 400 वर्षों बाद मुझे कुतुब मीनार पर जाकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा है इसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं। आज हर कद हर वजन के लोग, यानी कि हम लोग और तुम लोग, एक ही चीज के लिए एक ही गति से एक ही दिशा में गिरते चले जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं गौर से देखो अपने चारों तरफ, गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना, और गिरो जैसे गिरती है बर्फ पर्वतों की ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती है मीठे पानी की नदियां। गिरो किसी प्यासे हलक में एक बूंद जल की तरह गिरो, रीते बर्तन में जल की तरह भरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए गेंद की तरह गिरो खेलते हुए बच्चों के बीच, पतझड़ की पहली पत्ती की तरह गिरो, किसी कोपल के लिए जगह खाली करते हुए गाते हुए ऋतुओं का गीत, कि जहां पत्तियां नहीं गिरती वहां बसंत नहीं आता। ईंट की तरह गिरो नींव में किसी का घर बनाते हुए, अंधेरे पर गिरो रोशनी की तरह,
ठंडी हवाओं पर गिरो, ठंडी हवाओं पर गिरो धूप की तरह, कोई इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन ठहरो, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं ना, उनका कोई तीर नहीं रचा गया। तो गिरो किसी इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर की तरह बंजर जमीन पर, उसे वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो, बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह गिरो धरती को अपना बीज सौंपते हुए। गिर जाएंगे दांत, बाल गिर जाएंगे, और रक्तचाप, रक्तचाप गिर रहा है, खून में हीमोग्लोबिन गिरता चला जा रहा है, और गिरते जा रहे हैं स्मृतियों के खोखल से नाम, तारीखें और चेहरे। इसके पहले कि गिर जाए पूरा वजूद तुम्हारा, तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह, सही तारीख तय करो। गिरो, गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिर कर दिखाओ।